आयशा अकरम के साथ ज्यादती हुई है या उसने कोई पब्लिसिटी स्टंट किया? आई वुड से कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वी आर तमाशबीन कोम नाउ, आई एम सॉरी टू से दैट। हर बंदा मेरी लेग पुल करने के लिए आ जाएगा पर प्रमोट कोई नहीं करेगा। आई वुड से दिस गर्ल शी made trouble for herself. As a woman, we should support women as well, but women should respect themselves. मैं दुपट्टे के बगैर घूमती हूँ, मैं still western कपड़ों में यहाँ आती जाती हूँ, but this is my own personality कि मैं उसमें लोगों को welcoming कर रही हूँ या मैं उन्हें discourage कर रही हूँ। बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। आयशा ये बताइएगा कि आयशा अकरम केस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? क्या वाकई आयशा अकरम के साथ ज्यादती हुई है या उसने कोई publicity stunt किया? आई वुड से कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हार्ड वर्किंग औरतें हैं जो जेन्युइन काम कर रही हैं उनको कोई प्रमोट नहीं करेगा, पर हमारा मीडिया या हमारे लोग जो हैं, ओ हरीम शाह यहाँ पे रोल मॉडल हो गई है और टिकटॉकर्स को बहुत प्रमोट किया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं। या तो आइदर हम एक एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में जा रहे हैं। जो औरतें हार्ड वर्क करती हैं, जो सुबह उठ के बच्चे छोड़ती हैं स्कूलों में, जो काम करती हैं, जो फैमिलीज को सपोर्ट करती हैं, कभी किसी ने एक लफ्ज़ उनके बारे में नहीं कहा। वो जो रियल स्ट्रगल है उसके बारे में हम उसको हाईलाइट करना ही नहीं चाहते। वी डोंट वॉन्ट टू टॉक इट, बट वी आर तमाशबीन कोम नाउ। आई एम सॉरी टू से दैट आई केम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैंने पाकिस्तान छोड़ा था और उसके बाद जब मैं अब यहाँ आई हूँ तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। हर बंदा मेरी लेग पुल करने के लिए आ जाएगा पर प्रमोट कोई नहीं करेगा। यही हाल हमारे टिकटॉकर्स का है। वो टिकटॉक के ऊपर एक बदतमीज़ी की वीडियोस बन रही हैं और एक लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, लोगों को कुछ फहाशी फैलाई, उसके लिए सब लोग उसको सपोर्ट करते हैं। आई वुड से दिस गर्ल शी मेड ट्रबल फॉर हरसेल्फ। उसने अपने लिए ट्रबल बनाई है। अगर तुम जाके बाहर जाके लोगों को बुलाओगी नहीं कि मीनार पाकिस्तान पर आओ, मैं टिकटॉक बना रही हूँ, यहाँ तो हर लड़का उठ के जाएगा तुम्हारे के पीछे। और जिस तरह से उस वीडियो में उस बेचारी के कपड़े फाड़े गए हैं, बुरा भी लगा। एज ए वुमेन वी शुड सपोर्ट वुमेन एज वेल, बट वुमेन शुड रिस्पेक्ट देमसेल्व्स। मैं दुपट्टे के बगैर घूमती हूँ, मैं स्टिल वेस्टर्न कपड़ों में यहाँ आती जाती हूँ, बट दिस इज़ माई ओन पर्सनैलिटी कि मैं उसमें लोगों को वेलकमिंग कर रही हूँ या मैं उन्हें डिस्करेज कर रही हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बाकी की जो बच्चियां यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं, जो कॉलेजेस में जा रही हैं, जो काम कर रही हैं, ये तो थ्रेटन है उनके लिए खुला कि कोई भी कभी कहीं भी कुछ कर सकता है। पर आई एम श्योर दैट वाज द पब्लिसिटी स्टंट एज वेल। आई वुड से आई एम सॉरी, मैं आपको एक सच बता रही हूँ, क्योंकि जो अब तक यहाँ पे हो रहा है कि ओछी हरकतें करके या बेहयाई से, वो कहते हैं ना कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, पर देन अगेन एज ए मैन, हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पे लोग कसम उठाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वो बाकी के इतने जुलूसों में शामिल होते हैं, तो एक औरत के कपड़े तो नहीं फाड़ने चाहिए थे ना। इतना तुम लोगों की फ्रस्ट्रेशन है वो किसी और तरीके से ख़त्म कर देते। बा दिस इज़ नो नाइस। बहुत बुरा लग गया मर्दों की हरकतें देख के, और उस लड़की ने जो किया उनको गैदर किया उसका बहुत बुरा लगा। मगर अब सच जानने की ज़रूरत है, असल में सच है क्या। बट देन अगेन उसकी जो वीडियो मंजरे आम पे आ रही हैं उसमें लग रहा है कि उसने ये खुद क्रिएट किया है, और जब क्रिएट किया मे बी शी इज़ डन फॉर फन। उसने शायद बचकानापन किया है या एक यंग एज में ऐसा कदम उठाया है। पर अब जो काम स्टार्ट हो गया है, हर बंदा टिकटॉकर बन रहा है, टिकटॉक स्टार बन रहा है, ये क्या है, क्या है ये, हमारी कौम किधर जा रही है? वो जो हमारे हीरोज़ हैं उनके बारे में बात नहीं करते, पाकिस्तान की हिस्ट्री पूछो किसी को नहीं पता, टिकटॉक के बारे में सबको पता है। व्हाई इज़ दैट, क्यों? तो आपकी जो वजह कता से तो लग रहा है, आप जैसे आपने खुद बताया कि आप इंग्लैंड से आई हैं, आप उस सोसाइटी में रह के भी इतने जो है पाकिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पे मजहबी से ख्यालात रखती हैं, आप ख़ुद कंडेम कर रही हैं कि इस किस्म का एक्ट नहीं होना चाहिए, आप ख़ुद कह रही हैं कि टिकटॉक की जो ऐप है उसने फहाशी फैलाने में अपना अहम किरदार अदा किया है। सो आपको क्या लगता है, आप यंग जनरेशन के लिए क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी कि वो इस किस्म की हरकतों से बाज आ जाएं, और अगर पब्लिसिटी करनी है या अपने आप को फेम दिलानी है तो क्या ऐसा स्टेप वो ले सकते हैं कि वो जल्दी एक अच्छे स्टेप अच्छे मकाम तक आ जाएं? आई वुड से कि 40% हमारी जनरेशन जो यंग है, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे यंग जनरेशन का जो परसेंटेज है वो पूरी दुनिया से हाई है। ज़रखेज़ दिमाग हैं, बच्चे सोशल मीडिया को समझते हैं,
आज उनके पास वो फैसिलिटीज़ हैं जो हमारी यंग एज में नहीं थी। उस वक्त हमें तो बात करने के लिए भी बुज़ुर्गों से पूछना पड़ता था। आज ही अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्रिएटिव हैं, हमारे लोग बेहतरीन साइंसदान माने जाते हैं, हमारे लोग बेहतरीन दिमाग रखते हैं, दुनिया के तीसरे नंबर पे खूबसूरती में आते हैं, पर बेईमानी में नंबर वन पे आते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, पर क्यों हमें अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा? हम अपनी यंग जनरेशन को एक सबक दे रहे हैं कि हम जो करेंगे हम उसको फॉलो करें। हम हार्डवर्क कर सकते हैं। इवन हमारी जो मीटिंग्स होती हैं यहाँ पे भी प्रोफेशनल्स के साथ, मैं उनको कहती हूँ कि जी अपना फ़न कब्रों में लेके मत जाओ साथ, फ्री ऑफ चार्ज। टीवी पे भी इंटरव्यू मेरा आया तो मैंने यही कहा कि वन डे अ वीक एज ए वॉलंटियर आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट इन माई इकोनमी एंड माई पीपल, सो हम उनको कुछ सिखा सकें जो हमने वहाँ पर सीखा। मेरा यही मैसेज है कि हम बच्चों के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट बनाएं कि वो टिकटॉक की तरफ ना जाएं, फ्री ऑफ चार्ज उनके लिए ऐसे अदारे बनने चाहिए कि जहाँ पे आके वो सोशल मीडिया की ताकत को मस्बत तरीके से इस्तेमाल कर सके, वहाँ पे वो ज़्यादा नाम कमा सकते हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा कमा सकते हैं और अपना मैसेज पूरी दुनिया में भेज सकते हैं।